वेलकम फ्रेंड्स। तो ये आपका पार्टनरशिप का थर्ड नंबर क्लास है, तो यहाँ पर डेली सुबह और शाम को वीडियो अपलोड होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो का अपडेट आपको मेल द्वारा भेज दिया जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। एंटर, ये लाइफ टाइम हो रहा है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है क्वेश्चन को। एंटर इंटू, हाँ, पार्टनरशिप, आप भी लिख लीजिए क्वेश्चन को क्योंकि मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ए पुटिंग इन रुपीज 2000, ठीक है, फॉर द, यहाँ पर समझिएगा, फॉर द होल ईयर, ओके। बी पुटिंग रुपीज 3000 एट द फर्स्ट, अच्छी तरीके से समझिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर सॉल्यूशन करूंगा। बी पुटिंग रुपीज 3000 एट फर्स्ट एंड इंक्रीज Using, increasing it to rupees 4000, ठीक है, at the end of 4 months, ठीक है, while she puts, अच्छी तरीके से समझिएगा, in at, क्वेश्चन में सॉल्यूशन छिपा हुआ होता है, तो आप अगर क्वेश्चन को समझ लिए एक बार तो आंसर करना बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अच्छी तरीके से बी पुटिंग, दूसरा कलर ले लेता हूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। बी पुटिंग रुपीज 3000 एट द फर्स्ट एंड इंक्रीजिंग इट टू 4000 एट द एंड ऑफ 4 months व्हाइल सी पुट्स, ठीक है, सी पुट्स इन एट फर्स्ट रुपीज 4000, फिर से जो है 4000, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बट रुपीज 4000 बट विथड्रॉ, विथड्रॉज रुपीज 1000 एट द एंड, एंड एट द एंड ऑफ 9 months, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या है देखिए अच्छी तरीके से, एट द एंड ऑफ 9 months, अब पूछा गया कि हाउ शुड, हाउ शुड सी गेट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा बना है, एट द एंड ऑफ अ ईयर, ओके, डिवाइड, बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, डिवाइड आ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है रुपीस, अगर प्रॉफिट इतना हुआ है 8475, ठीक है। देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या है, और चलिए क्वेश्चन को आप समझेंगे हम, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ए बी एंड सी, एक पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट उन्होंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, ये पार्टनरशिप का एक बिजनेस पी से डिनोट करते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। ए बी सी ने शुरू किया, ठीक है। ए ने 1 साल के लिए लगाया, कितना, 1 साल यानी 12 मंथ के लिए
2000 रुपीज़ लगाया, 2000 रुपीज़, ठीक है। और बी ने क्या किया, पहले तो उसने 3000 रुपीज़ लगाया, ठीक है, फिर उसने इनक्रीज़ किया, ये प्लस होगा, इनक्रीज़ किया, ठीक है, इनक्रीज़ किया, और आफ्टर, ये समझिएगा, आफ्टर 4 मंथ्स उसने कितना पैसा इनक्रीज़ किया, उसने 4000 इसमें जोड़ दिया, प्लस किया, ठीक है, ये प्लस होगा, प्लस किया 4000 रुपीज़, ठीक है। और सी ने क्या किया, इसने विड्रॉ किया 1000 रुपीज़, विड्रॉ किया कितने महीने के बाद, पहले तो इसने लगाया था, सी ने लगाया था 4000 रुपीज़, और ये 9 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, ठीक है, 9 मंथ के लिए लगाया था, और फिर विड्रॉ किया था 1000 रुपीज़ आफ्टर 9 मंथ, ठीक है। तो ए तो लग गया इसका 9 मंथ के लिए 4000 रुपीज़, एक 1000 इसने विड्रॉ किया, सी ने 1000 विड्रॉ किया आफ्टर 9 मंथ्स। तो आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए तो क्या निकलता है, अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड से किया जाए तो ए का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल को कैप लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो रुपीज़ उसने क्या किया, 2000 अच्छी तरीके से समझिए, 2000 रुपीज़ 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है, इसमें से क्या निकलता है, रुपीज़, ठीक है, 24000 और बी का जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर जो कैपिटल होगा वो होगा रुपीज़ 3000 उसने लगाया, देखिए 3000 उसने लगाया इनटू 4 मंथ के लिए, फिर प्लस हो गया, फिर क्योंकि उसने 1000 जो है उस जोड़ दिया था ना 4 मंथ के बाद, ठीक है, तो 12 महीने से अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए 4 तो क्या होता है, 8 होता है, ये सब्सट्रैक्ट किया 4 8 होता है, तो 8 महीने बाकी रह गए, ये तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हुआ 1000 4000 प्लस यहाँ इंटू यहाँ पर 8, ओके, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ए आ गया आपका 44000, हो गया, और सी बस यहाँ तक ही समझने वाली बात है, बस इससे ही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4000 उसने लगाया कितने महीने के लिए, 9 मंथ के लिए, तो इनटू हो जाएगा 4000 कितने महीने के लिए, 9 मंथ के लिए, फिर प्लस होगा क्योंकि इसने 1000 यहाँ से विड्रॉ कर लिया था, विड्रॉ किया था, विड्रॉ को W से लिखते हैं, विड्रॉ किया था, और इसने इंक्रीज़ किया था, इसने बी ने इंक्रीज़ किया था, ठीक है। तो 4000 में से 1000 अगर चला गया तो 3000 होता है, ठीक है, और बाकी कितना रहता है, अगर 12 में से 9 सब्सट्रैक्ट करें तो 3, तो यहाँ पर इनटू होगा मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। अब तो निकालना है, बस हो जाएगा 45000, ये आ गया हमारा। फिर चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, रेशियो में निकालने वाले हैं, तो ए ए इज टू बी इज टू सी, ये होता है 24000 is to 44000 is to 45000, ठीक है। और सारे के सारे को अगर 1000 से डिवाइड करे, 1000 से डिवाइड करे तो ये जीरोस जो है कट जाता है, ठीक है, 24
इज टू 44 इज टू 45। बस इस सारे को हमें ऐड कर देना होगा, 24 प्लस 44 प्लस 45। ओके, तो कितना होता है, 113 ये होता है। तो इसमें से प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 8475 ए हुआ था हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। तो बस यहाँ पर से प्रॉफिट का पार्ट निकालना है, तो चलिए, तो ए का जो प्रॉफिट है, यहाँ से ए का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट है, वो कितना होगा, वो होगा 8475 इंटू 24, यहाँ से आ गया फर्स्ट ए का 24 डिवाइडेड बाय 113, तो निकल के बाहर आता है 1800 रुपये। ठीक है, ऐसे बी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना होगा, 8475 इंटू मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 44 डिवाइडेड बाय 113, ये कितना होता है, 3,300 रुपये हो गए, यहाँ पर 33,000 बोल दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3,300 होगा। और 8475 इंटू, और ए पार्ट रहता है सी का, 45 सिंपली बैठा दीजिए यहाँ पर, जो प्लस करके आया 113, ये कितना होता है, वो होता है 3,375, ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था कि बोलिए इसमें से सी का पार्ट कितना है, तो सी का पार्ट जो है वो 3,375 रुपीज़ है, ए प्रॉफिट में सी को मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब एक काम करते हैं, पहला वाला जो हमने सीखा था कल के वीडियोस में, उसमें थोड़ा सा हैंडराइटिंग जो है गड़बड़ हो गया था, तो मैं उसको रिकैप करना चाहता हूँ। तो चलिए रिकैप करते हैं। तो इन ए पार्टनरशिप क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, इन ए पार्टनरशिप, तो काफ़ी लोगों ने मेल किया मुझे कि थोड़ा सा हैंडराइटिंग ठीक कीजिए सर। तो इन ए पार्टनरशिप, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट, देखिए अच्छी तरीके से समझिए, ए रिकैप सेशन है, कल के वीडियो में भी आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, फिर भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम, बी हाफ ऑफ द, ठीक है, हाफ ऑफ द, अच्छी तरीके से समझिए नहीं तो लिख लीजिए, हाफ ऑफ द कैपिटल फॉर ऑफ वन थर्ड ऑफ द टाइम, वन फोर्थ ऑफ टाइम, एंड सी, अच्छी तरीके से समझिए, सी रेस्ट ऑफ द कैपिटल, रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम। ठीक है, फिर पूछा गया है कि व्हाट इज एज शेयर
ऑफ द टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ रुपीस 2100। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एक पार्टनरशिप है, एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को पी से डिनोट करते हैं। एक पार्टनरशिप है जहाँ पर ए ने एक इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया 1/6, एक कैपिटल का 1/6 इन्वेस्टमेंट किया फॉर द टाइम, कितने टाइम के लिए, टाइम हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, फिर बी के बारी आता है, बी ने उस पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में बी ने हाफ ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए, 1/3 टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और सी ने क्या किया, रेस्ट ऑफ द जो बाकी का जो था, बाकी का जो पार्ट था, समझिए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम करता हूँ। ए पार्ट जो था, ए ने इन्वेस्टमेंट किया, ए पार्ट जो था ए बी ने इन्वेस्टमेंट किया, ए बी ने इन्वेस्टमेंट किया, ए बी ने इन्वेस्टमेंट किया, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो सी ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर सोचिए कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है वो हमारा 2100 होता है। ठीक है, तो अब बोला गया कि बोलिए कि ए का जो शेयर है, ए का शेयर टोटल प्रॉफिट में से, यानी कि इतने इसमें से ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा। ठीक है, समझ लिए, फिर से बताता हूँ मैं। एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था, उस पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में ए ने इन्वेस्टमेंट किया 1/6, टाइम पीरियड था हाफ। ठीक है, बी ने इन्वेस्टमेंट किया हाफ ऑफ द कैपिटल एंड 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और सी ने रेस्ट ऑफ द जो कैपिटल था होल टाइम के लिए, यानी कि 12 मंथ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब इसमें से बोला गया है कि अगर 2100 टोटल हमारा प्रॉफिट होता है तो इसमें से बोलिए कि ए का शेयर इसमें से कितना होगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेथड से करें तो देखिए यहाँ पर 1/6 जो हाफ और 1/3, ठीक है, ये क्या है, ए है हमारा जो कैपिटल का ए का पार्ट, ए है बी का पार्ट। ठीक है, ए हमारा निकल के बाहर आ गया। ठीक है, और टाइम पीरियड बी का टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर इसमें से हम देखें कि 1/6 हाफ एंड जो 1/3 होता है, इन सभी में 6 जो है कॉमन है। तो अगर 6 × 1/6 करें तो हमको कितना मिलता है, 1/6 × 1/2 करें तो हमको कितना मिलता है, 3/6 × 1/3 करें तो हमको कितना मिलता है, 2। ठीक है, तो चलिए ये तो हम को मिल गया, तो टाइम जो है उसे निकालना है, टाइम और मंथ। ठीक है, तो टाइम मंथ निकालने के लिए ½ × 12, ठीक है, 6 निकलता है यहाँ से, 6 और यहाँ से 12, यहाँ से 4 निकलता है, और 1 × क्योंकि सी ने होल टाइम के लिए लगाया था तो 12, तो देयरफॉर जो होता है हाफ यहाँ पर टाइम, ठीक है, और
इसने लगाया, वन थर्ड टाइम, ठीक है, और ये होल टाइम के लिए इसने, होल टाइम के लिए इसने लगाया। जगह कम है इसलिए मैं इतना ही लिखता हूँ। तो अगर किया जाए यहाँ पर वन इंटू सिक्स, ये सिक्स निकल के बाहर आता है, थ्री इंटू फोर, ये ट्वेल्व बाहर के निकल के आता है, टू इंटू ट्वेल्व पे ट्वेंटी फोर निकल के बाहर आता है, तो यहाँ पर फोर लिख दीजिए, टू ये वन, ठीक है। तो इस इन सारों को अगर हम प्लस करें तो निकल के बाहर आता है सेवन। तो अगर ए का पार्ट निकालना है तो वन बाय सेवन इंटू टू थाउजेंड वन हंड्रेड से अगर है तो उसको 300 रुपये मिलेंगे प्रॉफिट में से ए को। तो चलिए और थोड़ा सा एक मेथड है, अगर इसको एल्जेब्रिक टेक्निक से सॉल्यूशन किया जाए तो टोटल जो कैपिटल है, अच्छी तरीके से समझिए, टोटल जो कैपिटल है, कैप से डिनोट किया मैंने, जगह कम है, टोटल जो कैपिटल उसको अगर 6x रुपीस हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो फिर ए का जो मूलधन होगा वो होगा 6x इंटू ये हो गया 1 रुपीस, ठीक है। तो बी का होगा मूलधन 6x इंटू हाफ, हाफ टाइम पीरियड के लिए लगाया 2x, ये ज़्यादा आसानी होगा आपको समझने में, ये 3x, 3x, ठीक है। सी का जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सी का होल टाइम के लिए उसने लगाया 6x इंटू पड़ा रहता है 1/3, ठीक है, 2x, ए जो एक्स रुपीस लगाया था वो कितने दिनों के लिए लगाया था, हाफ टाइम, और है 6 मंथ्स। बी का जो पार्ट था वो था 3x रुपीस, 1/3 टाइम पीरियड के लिए लगाया था और 4 मंथ होगा, ठीक है। और सी का जो है 2x, और वो 12 मंथ के लिए लगाया था, यानी कि होल टाइम के लिए लगाया था, इसको साफ करते हैं, होल टाइम के लिए लगाया था। तो इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो ए बी एंड सी जो रेशियो होगा, ए इज टू बी इज टू सी, x इंटू सिक्स रेशियो 3x इंटू 4 रेशियो 2x इंटू 12, अच्छी तरीके से समझिए, 6x 12x एंड 24x इज इक्वल टू x इज टू 2x इज टू 4x, ये निकल के बाद 1 इज टू 2 इज टू 4, ए का जो प्रॉफिट होगा, ए का जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 2100 इंटू सेवेंथ, वन सेवेंथ पार्ट, तो 300 रुपीस ऐसे भी निकल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे सुबह शाम, डेली के 2 या 1 वीडियो यहाँ पर अपलोड होते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा तो पहले वीडियो आप भी देख सकेंगे, यहाँ पर मेमोरी ट्रिक भी सिखाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।